हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, तो जनरली ये टूल्स क्या होते हैं, हम जब भी कोई चीज़ जब हम फोटोशॉप में कोई काम करते हैं और उस काम में हम कुछ गलत कर देते हैं तो हम अंडू नाम के ऑप्शन का यूज़ करते हैं एंड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड। एंड मान लीजिए हमने बहुत सारी गलतियाँ कर दी है और हम मतलब कंट्रोल जेड से जो है वन टाइम अंडू कर पाएंगे, एंड बहुत सारी गलतियां अगर आपने कर ली है तो आपको उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा अल्ट कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, तो ये जो जनरली जो मैंने बताई ये तो मैंने पिछले लेसन्स में अपने बेसिक ट्यूटोरियल्स में ये सब बातें डिस्कस की है, लेकिन ये एक मेथड और है। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सेम काम कर सकते हैं। तो जनरली मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक इमेज को ले लेते हैं, कोई भी इमेज, एंड इस पे हम काफ़ी कुछ ड्रॉ कर देते हैं, मतलब कुछ भी। एंड ये हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, समझ लीजिए बर्बादी कर रहे हैं इमेज में, और कलर मिक्सर टूल लेके फिर कलर रिप्लेसमेंट टूल से और फिर ब्रश टूल से, तो आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह से इमेज को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके मेथड है कंट्रोल जेड, तो लास्ट जो ग्रास हमने ड्रॉ की थी वो हट गई, अगेन कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो वापस ये आ जाएगी। लेकिन अगर हमें इससे पीछे जाना है तो हमें मैंने बताया था आपको अल्ट कंट्रोल प्लस जेड आप करेंगे तो जैसे जैसे आप करेंगे पीछे जाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ये जो टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल इसके थ्रू पे आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्कल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट बिगेन से छोटा कर सकते हैं और क्लोज से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे छोटा कर सकते हैं एंड इससे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इसे छोटा रखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे और मैनुअली की बात करें तो आप यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में जाके इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं एंड हार्डनेस और सॉफ्टनेस समथिंग जो भी आप चाहें उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो भी रिमूव करेगा, जो भी हमने इमेज पे इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं उसे ये रिमूव कर देगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं, अब हम क्लिक कर रहे हैं तो जितने भी हमने जो ग्रीन या जो भी कुछ ड्रॉ किया था अब वो आप देख रहे हैं हिस्ट्री ब्रश टूल्स की वजह से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, एंड यहीं पर अगर हम बात करें आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की, ठीक है, तो हम पहले प्रेस करते हैं कंट्रोल जेड ताकि वापस सब आ जाए। ये थोड़ा अपने ये जो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल ये थोड़ा अपना आर्ट दिखाता है, आप जब क्लिक करेंगे तो ये ओवरऑल जितने भी कलर हैं उन्हें फेड कर देगा एंड ये थोड़े आर्ट टाइप के काम करते हैं, सारे कलर मिक्स हो जाएंगे, ब्लर हो जाएगा ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे हम थोड़ा छोटा और कर लेते हैं हमारे जो कर्सर है उसे, ये नॉर्मल व्यू है। आप जैसे जैसे इसे करते जाएंगे आप जनरली देखेंगे कि आपका जो काम है वो रिमूव होते जगह अलग हो रहा है, थोड़ा वाटर कलर जैसा इफ़ेक्ट आपको दे रहा है, पूरा मतलब ब्लर कर दे रहा है इमेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मनी है सब ऐसे मतलब पूरा ब्लर हो गया है। ठीक है, तो जनरली ये जो टूल्स है ये कुछ इस टाइप